बराबर सोचो कि नहीं मुझे क्रोध नहीं करना है मुझे तो प्रेम का व्यवहार करना है क्षमा का व्यवहार करना है सेवा का व्यवहार करना है ऐसा सोच करके काम कर रहे तो मानो भजन हो रहा है किसी में झूठ बोलने की आदत है बाद, बाद में झूठ बोलता है थोड़ी थोड़ी वालों बातों में वो गाली देता है अब सोचो कि गाली देने से फायदा क्या होता है गाली तो व्यर्थ की आदत है गाली देने वाले का मन खराब होता है और सुनने वाले का मन दुखी होता है किसी की भी गाली किसी को पसंद नहीं होती है सोचें कि क्या मैं अपने लिए गाली सुनाना चाहता हूं कोई मुझे गाली दे तो मुझे अच्छा लगेगा स्वाभाविक है गाली अच्छी नहीं लगेगी जब दूसरे की गाली मुझे अच्छी नहीं लगेगी तो मेरी गाली किसी को अच्छी कैसे लगेगी दूसरे को अच्छी कैसे लगेगी और गाली दे करके अपनी जबान खराब करता हूँ अपने मन खराब करता हूँ संस्कार खराब करता हूँ इसलिए अब मुझे गाली नहीं कि, देना किसी को किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है किंतु सच बोलना है और मीठी वाणी बोलना है गाली सुन करके मुझे शांत रहना है ये शांत रहने का स्वभाव बनाया सच बोलने का स्वभाव बनाया वाणी बोलने का स्वभाव बनाया भजन हो गया मैंने कहा ना कि स्वभाव का परिवर्तन कंजूसी का स्वभाव है उस कंजूसी स्वभाव को दान करने का गरीबों की सेवा करने का स्वभाव बना ले भजन हो गया ऐसे आप हर जगह सोचे हर जगह सोचे इस स्वभाव का जो परिवर्तन होता है यही भजन करना है अभी मैंने कहा था कि गाली देने की बात आती है कुछ लोगों की आदत हो जाती है बात बात में गाली बात बात में गाली यहां कुछ लोग ऐसे होते हैं ये पुरुषों में भी ऐसे होते हैं देवियों में ऐसे होते हैं थाली को गाली लोटा को गाली जानवर को गाली पिढ़ल सिर लोढ़ा को गाली सबको गाली आदत बिना मतलब के आदत चलते फिरते गाली देते रहते हैं लोग क्या फायदा ये समझ लेना चाहिए कि यह गाली केवल असभ्यता की पहचान है जो सभ्य आदमी होगा सुशिक्षित आदमी संकारी आदमी होगा वो गाली नहीं देगा किसी को अपने घर में या बाहर भी किसी गाली मत दो सुबह उठ गए गाली बकने लग गए सबका मन खराब हो गया अपना मन खराब हो गया इस जबान हम आदमी हैं हमें ही बोलने की वाणी की शक्ति मिली है अरे जिस जबान से राम कहते हो गुरु कहते हो पीर कहते हो मंत्र का नाम जब मंत्र जपते हो उसी जबान से गाली भी बकते हो कितनी गलत बात है ये सर सोचे तो आप यदि गाली देना छोड़ दें तो आपकी गृहस्थी में कुछ बिगड़ेगा नहीं बल्कि गृहस्थी अच्छी सुधर जाएगी अब गाली देने से आप कह सकते हो साहब हम लोग तो गृहस्थ आदमी हैं गाली नहीं देंगे तो खेत में धान नहीं पैदा होगा गाली नहीं देंगे ना साहब यदि हम गाली नहीं देंगे तो हमारी बेटी के लिए कोई लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा यदि ऐसा बेटा के लिए बहु मिलना मुश्किल हो जाएगा तो खूब गाली बको दिन रात अखंड पाठ करो भाई फिर अब यदि ऐसा नहीं है तो बिना मतलब के गाली बाद बात में अब कोई कम नहीं है न तो पुरुष कम है न तो देवियां कम है पुरुष लोग ज्यादा गाय गाली बगते हैं साले कह करके अब ये देवियां इनके बाद बात में रोग कहने की आदत है और एक गाली और मैं कहा करता हूं ऐसे समय रहा होगा थोड़ा सा विशेष छत्तीसगढ़ की बात है थोड़ा और शाम हो गए गय, हो गई थी गुरुदेव जी का कार्यक्रम था इस गांव में तो मैं कार्यक्रम के बाद घूमने गया था अपने साथी के साथ घूम करके लौट रहा था गांव की गली से होकर के गुजर रहा था मैं तो घर के अंदर कोई माता किसी बात को लेकर के नाराज रही होगी कुछ विवाद रहा होगा झगड़ा हुआ रहा होगा तो घर के अंदर से वो गाली दे रही थी और गाली क्या दे रही थी ओकर मुर्दा रेंगे तो मैंने अपने साथी से कहा भाई मुर्दा तो रेंगता नहीं कभी ये माता जी तो बहुत 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 बलवान है मुर्दा ने गा रही है इसको तो पुरस्कार मिलना चाहिए <laughs> बड़े बड़े डॉक्टर नहीं रंगा सके मुर्दा को आज तक ये तो बात बात में रंगा देती है क्या फायदा है तो ये आदत सुधार लो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन क्रोध करना गलत आदत लोभ करना गलत आदत कंजूसी करना गलत आदत झगड़ा करना गलत आदत झूठ बोलना गलत आदत गाली बकना अलग आदत किसी की निंदा बुराई करना गलत आदत इनको सुधार लो भजन हो गया अब मैंने कहा था ये भजन ऐसा भजन है कहीं भी हो सकता चलते फिरते नहाते धोते काम करते हर समय भजन हो सकता हर समय भजन हो सकता है अपने को गढ़ना और छिलना संवारना निरंतर ये सोचें कि इतनी उम्र बीत गई फिर भी जैसा चाहे वैसा सुख क्यों नहीं मिल रहा फिर भी दुख दूर क्यों नहीं होता है कहाँ से मुझे दुख मिलता है किस बात में दुख मिलता है ये विचार करके जिन जिन खान पान से जिस रहन सहन से जिस बात से जिस व्यवहार से जिस कर्म से जिस आचरण से दुख मिलता है दुख बढ़ता है वो रहन सहन खान पान बात व्यवहार कर्म आचरण को छोड़ते चले जाओ भजन हो रहा है हर समय भजन हो रहा है दुनिया में सबसे सरल काम सबसे सरल काम भजन करना है और बिन, और बिना भजन किए जीवन में किसी को भी शांति नहीं मिल सकती किसी के मन का दुख मन की चिंता मन का तनाव मन का जो क्लेश है ये सब नहीं मिट सकते हैं बिहार का जो काम आपको करना है खेती करना है नौकरी करना है व्यापार करना है मजदूरी करना है कोई भी काम करना करो लेकिन वो सब काम करते करते भजन हो सकता है दुकान में आप बैठे हैं ग्राहक आ रहे हैं उन ग्राहकों से मीठे और कुआस शब्दों में बात करें और उचित मुनाफा लेकर उचित दाम लेकर ग्राहकों को उचित सौदा दो सही माल रखो और सही दाम लेकर के सही माल बेचो तो आपका सही ग्राहकों से सही दाम लेकर सही माल बेचना मानो भजन हो रहा है और आप जब से तो राम राम कह रहे हैं ओम कह रहे हैं सतनाम कह रहे हैं कबीर कबीर कह रहे हैं और दुकान में बैठ करके ग्राहकों से ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं गलत माल बेच रहे हैं तो भजन नहीं हो रहा है फिर तो अपने को धोखा दे रहे हैं अपने राम अपने भगवान को धोखा दे रहे हैं कहीं जाते हो मजदूरी करने गए तो डट करके आप काम करते हो ईमानदारी पूर्वक काम करते हो और मन में अच्छे विचार रख रहे हो То, तो वो मजदूरी करना भजन हो जाएगा किसी मजदूर से काम करवा रहे हो मजदूर से प्रेम से बात करो नौकर से प्रेम से बात करो नौकर यहाँ, नौकर को मजदूर को भी गाली देने का अधिकार आपको नहीं है डांटने का अधिकार नहीं है काम नौकर मजदूर बराबर काम नहीं कर रहे प्रेम से कह सकते हो आदरपूर्वक कह सकते हो मीठीवानी में कह सकते हो तो नौकर से मजदूर से आप मीठा व्यवहार करते हो कोमल व्यवहार करते हो प्रेम से बात करते हो उचित मधुरी देते हो मानो एक भी एक प्रकार भा, का भजन ही है आप जिसको और लेना चाहो ऐसे ले लो और जितना भजन ऐसे करते जाएंगे उतना उतना जीवन ऊपर उड़ता चला जाएगा उतना उतना दुख खत्म होता चला जाएगा अकेले में बैठ करके चिंतन करें आखिर क्या कारण है क्यों मेरा मन पीड़ित रहता है क्यों मेरा मन अशांत रहता है किसी से झगड़ा हो गया है किसी से बैर विरोध है आप उस व्यक्ति से मिल नहीं सकते मान लो सामने जाकर के उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते क्षमा नहीं मांग सकते क्योंकि आप समझते हो कि जाऊंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा ठीक है किसी व्यक्ति के लिए से लड़ाई झगड़ा हुआ है बैर विरोध है अपने घर में बैठकर सुबह शाम जब भी अवसर हो मन ही मन उस व्यक्ति के लिए जिसके से आपको झगड़ा हुआ है बैर विरोध जिसके लिए है ये सोचो कि उस व्यक्ति का भला हो जाए कल्याण हो जाए वो सुख से जिए प्रसन्नता से जिए रोज ऐसा सोचो उसके लिए अपने मन में कोमल भावना ले आओ प्रेम का भाव जागृत करो तो भजन हो रहा है लेकिन आप अकेले बैठे हो अकेले बैठकर ही उस व्यक्ति को गाली दे रहे हो उसके लिए बुरा सोच रहे हो उसका ऐसा काम बिगड़ जाता ऐसा काम बिगड़ जाता ऐसा काम बिगड़ जाए तो कोई भगवान आपको क्षमा नहीं करने वाला है कोई पूजा काम नहीं आएगी याद रखना चूंकि अपने मन को बिगाड़ लिया है ना अरे भाई किसी किसी का भला नहीं कर सकते तो भला सोचने में क्या बिगड़ता है भला नहीं सोचना चाहते तो बुरा क्यों सोच रहे हो वो आदमी सुख से जिए ये सोचने में आपको कठिनाई यदि लग रही है तो मत सोचो लेकिन ऐसा क्यों सोचते हो कि आदमी उस आदमी का नुकसान हो जाए वो आदमी दुख से जिए ऐसा क्यों सोच रहे हो उसको दुख हो या ना हो दुख तो आप हो जाएगा किसी का यदि आप बुरा सोच रहे हो नुकसान सोच रहे हो तो उसका नुकसान हो या ना हो आप नुकसान तो जरूर होकर के ही रहेगा चाहे जिंदगी भर मंदिर जाते रहो और दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हो नुकसान सोच रहे हो तो काम नहीं बनेगा क्योंकि आपने अपने मन को बिगाड़ डाला है अपने संस्कार को बिगाड़ डाला ये घर का बिगड़ जाना दुखदाई है खेती का बिगड़ जाना देखो इस साल आप लोग खेती काफी बिगड़ गई बरसा के कारण से अभी दुखदाई है किसी और चीज का बिगड़ जाना दुखदाई है लेकिन उससे बड़ा दुखदाई है मन का मन के संस्कारों का बिगड़ जाना स्वभाव का आदत का बिगड़ जाना कर्म का बिगड़ जाना इस बात पर सोचें। बाहर चीज बिगड़ जा बिगड़ जाए स्वभाव ना बिगड़ने दे कर्म ना बिगड़ने दे मन को ना बिगड़ने दे संस्कारों को ना बिगड़ने दे अगर क्यों भजन करो, क्यों मंदिर जाते हो क्यों पूजा करते हो क्यों भगवान मान भग भगवान भगवती मानते हो आप सोचो तो जरा क्यों किसी गुरु की सेवा करते क्यों किसी गुरु सत्संग में जाते हो गुरु की पूजा क्यों करते हो किसके लिए कर रहे हो यदि स्वभाव नहीं बदला है संस्कार नहीं बदला है कर्म और व्यवहार नहीं बदला है तो क्या बदल रहे हैं फिर अब ये कहीं पर आप कर सकते हो तो भजन गाना ये कला है हर आदमी बढ़िया भजन नहीं गा सकता है भजन गाने की कला सबके पास नहीं हो सकती है लेकिन भजन तो हर आदमी कर सकता है ना अनपढ़ कर सकता है विद्वान कर सकता है साधु गृह स्त्री पुरुष सब कर सकते सब कर सकते हैं और ये मानव जीवन भजन करने के लिए ही मिला है इस मानव जीवन का सौभाग्य भजन करने में ही है और मैं सब में सौभाग्य नहीं है उसमें तो जानवर भी सब कुशल है रोज बैठे रोज बैठे अनेक लोग रोज बैठते हैं आप समय निकालें सुबह शाम जैसा भी हो और देखते जा जैसे आप जानते हो रोज सुबह शाम बैठकर के फायदा क्या होगा एक बताता हूं आप जानते हो जैसे एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार होता है अनगर पत्थर ले आता है कहीं से पत्थर पर पैर रख करके पत्थर को ठोकना शुरू करता है छीने थोड़ी लेकर चोट पर चोट चोट पर चोट मारता चला जाता है धीरे 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 धीरे, धीरे करते करते महीना दो महीना चार महीना के पश्चात उसी पत्थर में से एक सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है कलाकार ने मूर्ति को बाहर लाकर पत्थर पर नहीं बैठा पत्थर उसी पत्थर में मूर्ति छिपी हुई थी कलाकार ने ठोंक ठोंक करके जो गलत अंश थे उन अंशों को निकाल दिया मूर्ति प्रकट हो गई इसी प्रकार हर आदमी के भीतर परमात्मा बैठा हुआ छिपा हुआ है कल्याण छिपा हुआ है शांत छिपी प्रसन्नता छिपी अब जो शब्द कहना चाहो कह लो कल्याण परमात्मा शांत परमानंद ये एक ही बात है नाम अलग अलग हैं इस सबके भीतर में बाहर माना नहीं है हमारे हमारे जो दोष हमारे जो दुर्गुण हमारे जो चिं गलत चिंतन हमारे जो गलत विचार गलत खान पान जिनसे हमारा परमात्मा छिपा हो हमारे मोह हमारा मोक्ष छिपा हो हमारी शांति छिपी हुई है सोच सोच करके विचार कर कर के उनको निकालते जाना निकालते जाना निकालते जाना फिर दिन क्या होगा सारे गलत स्वभाव का त्याग हो गया गलत संस्कारों का त्याग हो गलत कर्मों का त्याग हो गया गलत विचारों का त्याग हो गया भीतर से परमात्मा की मूर्ति प्रकट हो जाएगी मोक्ष साकार हो जाएगा जीवन में शांति की धारा बहने लग जाएगी बस भजन हो रहा है यही तो भजन करना है और कहा भजन करना है मैंने कहा था ये रास्ता चल रहे हो खेत जा रहे हो खलिहान जा रहे हो नहाने जा रहे हो तालाब में या कहीं और जा रहे हो देखो आप नहाते हैं ना साबुन लगाते हैं पानी पानी नहा करके रगड़ते हैं नहाते नहाते चाहे आप तालाब में नहाने गए हों कुआं पर नहा रहे हों बाथरूम में नहा रहे हो नहाते नहाते जब आपने पानी डाला शरीर पर पैर को रगा और शरीर को रगड़ना शुरू किया जब उसमें सोचिए मैं रोज अपने शरीर को धोता हूं और रगड़ रगड़ करके शरीर के मैल को शरीर गंदगी को दूर करता हूं क्या अपने मैं अपने मन को भी धोता हूं कभी अपने मन की जो गंदगी है क्या मन गंदगी को धोने का मैं काम करता हूं यह सोचिए जैसे मैं शरीर को धो रहा हूं रगड़ रगड़ करके ऐसे ही विवेक द्वारा विचार द्वारा चिंतन द्वारा मुझे अपने मन को भी धोना है मन को भी साफ करना है बस नहाना भजन हो गया नहा भी रहे भजन भी हो रहा है नहा कर निकलते हो आप सिर के बाल पर तेल लगाते हो और दर्पण सामने खड़ो करके बाल संवारते हो चेहरा संवारते हो अच्छा है बाल संवारते संवारते चेहरा संवारते संवारते सोचो रोज मैं बाल संवारता हूं रोज मैं चेहरा संवारता हूं क्या मैं अपने आचरण को भी संवारता हूं कभी क्या मैं अपने चरित्र को अपने कर्म को संवारता हूं फिर बाल संवारते समय चेहरा संवारते समय समझते हैं जैसे मैं अपने बालों को संवार रहा हूं चेहरे को संवार रहा हूं ऐसे ही मुझे अपने आचरण को संवारना है स्वभाव को संवारना है कर्म को संवारना है भजन हो रहा है वो बात भजन बनेगा आपका थोड़ा सा बदलना है दिशा बस लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा इस चेहरे को संवारना कितना कितना संवार लो कितना संवार लो अंत में तो इसको बिगड़ना ही बिगड़ना है कितना पाउडर लगा लो क्या लगा लो अंत में सुबह लगा दो चार घंटे पश्चात खत्म लेकिन जब जीवन संवर गया चरित चरित्र संवर गया आचरण संवर गया तब तो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी फिर जो आनंद मिलेगा फिर जो शांति मिले प्रसन्नता का अनुभव होगा अद्भुत अब कल्पना भी नहीं कर सकते हर काम करते समय ये सोचना है मैंने कहा था रोज नहाते हैं नहाते नहाते सोचिए ना अपने शरीर को जैसे धो रहा हूं ऐसे मन को धोना है स्वभाव को धोना है जैसे चेहरा संवार रहा हूं चरित्र को संवारना है इसमें क्या लगेगा भला बताइए आप कौन सी मेहनत लगेगी काम भी हो रहा है भजन भी हो रहा है इसलिए कबीर साहब ने कहा कर से काम मन से राम कहीं कबीर सरे दो काम शरीर से मेहनत करो आप और मन से राम का चिंता चिंतन करो अच्छे विचार सोचो कहीं भी कुछ भी काम करते समय आप मन में अच्छे विचार सोच सकते हो अच्छी बातें सोच सकते हो अनपढ़ हो तो सोच सकते हो पढ़े के तो सोच सकते हो गरीब तो सोच सकते हो धनवान तो सोच सकते हो अच्छी अच्छी बात वो देखिए ध्यान रखना अच्छी बात बोलने में और अच्छी बात सोचने में आपका एक भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है अच्छी बात बोलते जाएं हमेशा अच्छी बात बोलते जाएं और साथ साथ अच्छी बातें यदि सुनते भी जाते हैं तो और अच्छी बात है तो अच्छी बात बोले अच्छी बात सोचें अच्छी बात सुने भजन हो गया और याद रखना जो आदमी अच्छी बातें नहीं बोल सकता और अच्छी बातें नहीं सोच सकता उससे बड़ा अभागा उससे बड़ा दरिद्र आदमी दुनिया में और कोई नहीं होगा जो अच्छी बात सोच भी नहीं सकता है जिसके मन में हर समय ईर्षा द्वेष, घृणा वैर विरोध राग रंग पराई बह बेटों की चिंतन चल रहा है वो महाअभागा आदमी है दुनिया का वो अरबपति भी है तो अभागा है वो दरिद्र है वो और यदि जो बात आदमी अच्छी बातें बोलता ही है हमेशा अच्छी बातें सोचता हमेशा हमेशा अच्छी बातें सोचता है यहां तो मैंने कहा था बीच में अपने शत्रु के लिए भी अपने विरोधी के लिए भी अच्छी बात सुन भले विरोधी से ना मिल पाओ बिहार में आती है उसे बिहार न रख पाओ संबंध न रख पाओ लेकिन जहां वहां पर उसके लिए अच्छी बात सोचो तो जो आदमी अच्छी बातें बोलता है अच्छी बातें सोचता है हर के लिए हर समय हर समय अच्छी बातें सोचता है वो महासौभाग्यशाली आदमी है उसके मन का दुख खत्म हो जाएगा आप हमेशा अच्छी बातें सोचते जाए अच्छे विचार ज्ञान विवेक विचार प्रेम दया क्षमा समता, सेवा भक्ति के विचार सोचते चले जाएं। गारंटी के साथ कहा जा सकता है मन में ना कोई चिंता होगी ना भय होगा ना तनाव टेंशन होगा बहुत बढ़िया गहरी नींद आएगी और अंदर प्रसन्नता की शांति की धारा बहती रहेगी ये भजन करने का लाभ है और यदि ऐसा नहीं किया तो जीवन में कभी आप शांति सुख प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकेंगे थोड़ा बाहर से थोड़ थोड़ा बहुत दुनिया का जो सुख मिलेगा खाने पीने देखने सुनने आदि का थोड़ा मिलेगा फिर खत्म हो जाएगा हर समय रहने वाला आनंद हर समय रहने वाली शांति हर समय रहने वाली प्रसन्नता भीतर से है और उसी के लिए भजन करना है सभी संतों ने यही किया दुनिया में जितने भी संत हुए हैं जिन्हें महापुरुष संत कहते हैं सदगुरु कहते हैं महापुरुष कहते हैं यहां तक जिन्हें भगवान भी कहते हैं उन्होंने क्या बदला शरीर तो नहीं बदला चेहरा तो नहीं बदला हाथ पैर तो नहीं बदला केवल बदला अपने स्वभाव को अपने आचरण को एक संत ने लिखा है कि मैं एक व्यक्ति के घर गया तो एक डॉक्टर पहले तो परिचित थे डॉक्टर का चेहरा एकदम काला कलूटा का और चेचक के दाग बड़ा बदसूरत चेहरा कुरूप एक बार देखो तो ऐसा लगे कि मानो ना देखे दोबारा ऐसा चेहरा था लेकिन उसकी पत्नी हजारों में एक सुंदरी ऐसी सुंदरी थी सन लिखा है मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ पति तो इतना काला कलुटा बदसूरत चेहरा है और उसकी पत्नी इतनी सुंदर है तो मैंने डॉक्टर की पत्नी से पूछा कि बहन जी क्या आपकी ये दूसरी शादी है क्या महाराज ऐसे दूसरी शादी आप ऐसा क्यों पूछते हैं ये तो मेरी पहली शादी है अच्छा तो फिर पूछा ये बताओ जब आपकी शादी हुई तो आपके माता पिता ने पति को देखा नहीं था देख ऐसे, ऐसे दूर दूर से शादी करे थे बिना देखे तो कहा महाराज जी मैंने तो प्रेम विवाह किया है आप हुआ अत्यंत सुंदर स्त्री एक काला कलूटा भद्दे चेहरे वाला आदमी से प्रेम विवाह कहा ऐसा आपने क्यों किया कि महाराज जी हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे लगभग 2000 विद्यार्थी थे उन 2000 विद्यार्थियों में मैंने ये देखा कि यही वो व्यक्ति ऐसा है जिसे सच्चा इंसान कहा जा सकता है मैंने इसका चेहरा नहीं देखा मैंने इसका चरित्र देखा इसका स्वभाव देखा इसका आसन व्यवहार देखा और कहा कि यदि इसके साथ में शादी करती हूं मेरी जिंदगी आराम से कटेगी और सचमुच में महाराज मैं बहुत खुश हूं अपने गृहस्थी जीवन से चेहरा भला काला का लूटा है चेहरा भले है, लेकिन चरित्र सुंदर और चरित्र सुंदर बनाना हर आदमी के, के के हाथ में है चेहरे को हम जैसा चाहे वैसा नहीं बना सकते लेकिन मन को चरित्र को हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं एक पैसा भी खर्च नहीं होगा यदि चेहरा सुंदर बनाना चाहोगे ना डॉक्टर पास जाओगे तो, तो बहुत पैसा लग जाएगा लेकिन चरित्र सुंदर बनाने के लिए एक पैसा नहीं होगा और आप सब जानते हो आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती है आदमी के चरित्र की पूजा होती है कबीर हो बुद्ध हो महावीर हो राम हो कृष्ण हो दयानंद हो या अन्य और महापुरुष आप उनके चेहरा देख करके पूजा नहीं करते उनका चरित्र देख करके पूजा करते हैं और चरित्र को सुंदर बनाना यही भजन करना है तो और सुंदर बना पाए ना बना पाए अपने चरित्र को स्वभाव सुंदर बना ले कोई दुख नहीं रह जाएगा ये बाहर का जो दुख है थोड़ा बहुत ये तो आता जाता रहेगा ठंडी आ गई गर्मी आ गई शरीर में रोग व्याधि खास दुख नहीं है मन मन का जो जो दुख है मन की जो पीड़ा है की पीड़ा ये पीड़ा बहुत दुखदायी होती है इसी मन की जो पीड़ा है इसी पीड़ा मिटाने के लिए तो भजन करते हैं इसी के लिए पूजा पाठ करते हैं इसी, है, इसी के लिए तो न... अनेक प्रकार लोग करते हैं तो जिस कर्म से जिस व्यवहार से जिस आचरण से जिस चिंतन विचार से हमारे मन की पीड़ा मिटे मन की जलन मिटे मन के दुख और रोग मिट जाए वो सब भजन है इसलिए भजन गा पाए या ना गा पाए भजन जरूर करें अब भजन हो गया जाएगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा हर आदमी स्वतंत्र है हर आदमी स्वतंत्र है और मैंने कहा थे बीच में उदाहरण दिया था आपको याद होगा भजन मन की तरंग मार लो बत हो गया भजन आदत सुधार लो बत हो गया भजन केवल अपने मन को ठीक रखना और आदत सुधार रखना यह दुनिया का सबसे सुंदर भजन है सबसे सुंदर भजन इसमें आप किस किस मत को मानते हो किस पंथ को मानते हो किस किस गुरु को मानते हो कि देवी देवता भगवान की पूजा करते हो वो आपका विचार है आपका विश्वास है आपकी मान्यता है ये सब में अंतर रहेगा रहेगा सभी लोग एक गुरु को नहीं मान सकते एक देवता को नहीं मान सकते एक पंथ मत को नहीं मान सकते ये सब रहेंगे अपनी जगह पर लेकिन सबको आवश्यक क्या है स्वभाव का सुधार कर्म का सुधार का सुधार और आचरण सुधार बस ये कौन कहेगा नहीं साहब हम तो सुखी तब होंगे जब हमारा हमारा कर्म गलत होगा तब सुखी होंगे अच्छे काम करेगा तो हम दुखी रहेंगे हमारा स्वभाव दो गलत होगा तब हम सुखी रहें ऐसा थो, थोड़ा कहेगा हर आदमी किसी से पूछो ईमानदार आदमी आपको ज्यादा अच्छा लगता है या बेईमान आदमी कौन कहेगा मुझे बेईमान आदमी अच्छा लगता है किसी से पूछो झूठ बोलने वाला आदमी अच्छा होता है या सच बोलने वाला आदमी अच्छा होता है हर आदमी कहेगा झूठ बोलने वाला अच्छा आदमी नहीं होता सच बोलने वाला आदमी अच्छा होता है जिसका चरित्र गलत है गंदा है वो आदमी अच्छा है या जैसे सुंदर है वो आदमी अच्छा है तो हर आदमी क्या अच्छा हैं तो सुंदर है वो आदमी अच्छा है तो वो तो आप बना सकते हैं ना शुरुआत अपने आप से करनी होगी इसलिए समय निकालने की बात नहीं है जो काम आप कर रहे हैं खेती नौकरी व्यापार का घर में रहकर बाहर रह करके निरंतर अपने मन को देखें अच्छे विचार सोचें अच्छे चिंतन करें और चिंतन करके अपने जीवन में जो दोष हैं दुर्गुण हैं ग्रह स्वभाव हैं उन्हें निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं। एक दिन आपके भीतर का भगवान प्रकट हो जाएगा भीतर से सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाएगी और जीवन का कल्याण हो जाएगा मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा फिर भजन हो गया इस बात पर ध्यान दें और ध्यान देकर निरंतर अपने शोधते जाए शोधते जाए शोधते चले जाए और शोधते शोधते इतना शोध लें कि कहीं कोई रंच मात्र भी गंदगी ना रह जाए और मन अपने आत्मा में अपने परमात्मा में डूब जाए जीवन सफल हो जाएगा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी मानी को यही विराम सबके लिए शुभकामनाएं हमारी है कि भजन करके मन के क्लेश से मन की जलन और मन की पीड़ा से छुटकारा पाकर इस जीवन में सच्चे सुख सच्चे आनंद सच्ची शांत प्रसन्नता का अनुभव करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं पुनः पुनः धन्यवाद अपनी वाणी को विराम